फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये गले के ऊपर बैक साइड के गले में हम स्क्वायर गला कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स में पूछा गया कि स्क्वायर में गला कैसे बनाना है, इसीलिए मैं ये गला बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये ब्लाउज़ की बैक साइड है और ये हमारा कैनवास पेपर है, और कैनवास पेपर के ऊपर हमें गले की कटिंग करनी है। तो पहले हमें क्या करना है, गले की पहले चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच, हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। गले की लेंथ लेनी है, गले की लेंथ है हमारी 10 इंच, हम 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे नीचे के साइड में हमें 1 इंच छोड़ना है, यहाँ पे हमें 1 या 1.25 इंच आपको छोड़ना है। यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है, इसके ऊपर आपको 10 इंच लेना है। इस तरह से हमें ये 9.5 इंच आपका गला तैयार हो जाएगा, 1/2 इंच आपका सिलाई में जाएगा। जितना भी आपके गले की लेंथ होगी उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे 9 इंच आप लग का गला है तो यहाँ पे आपको 9.5 इंच लेना है, 10 इंच आपका गला है तो आपको 10.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमारा तैयार गला हो जाएगा 9.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 10 इंच लिया है। तो यहाँ पे भी हमें नीचे के साइड में भी हमें 2.5 इंच लेना है, हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं इस तरह से। हमें इसका बॉक्स बनाना है। आप चाहे तो ऐसे भी गला बना सकते हैं, नहीं तो नीचे के साइड में आपको 1/2 या 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, फिर इसमें हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको ये ज्वाइन करना है, तो ये हमारा स्क्वायर में गला आएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, पहले हम बाहर के साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गले का जो शेप हमने दिया है उसको कट करेंगे। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नीचे के साइड में थोड़ा कट करना है। ये हमारा स्क्वायर में गला ये इस तरह से आता है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, कपड़े के ऊपर इस तरह से ये गला रखा है। जैसे ब्लाउज पीस में तो कपड़ा नहीं बचता है, तो अब अलग कलर का कपड़ा लेंगे और गला बनाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि ये अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको रखा है। अब यहाँ पे हमने अल्पिन से इसको पैक करना है। पैक करने के बाद कैनवास पेपर का जो गला है इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये अल्पिन से इसको पैक किया है, अब यहाँ इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। पूरे गले के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाहर के साइड से 1/2 इंच छोड़ के इसकी कटिंग करनी है।
यहाँ पे हमने ये साइड का कपड़ा जो था इसे कट किया है। अब यहाँ पे ये जो है इसे हमें फोल्ड करना है। पूरे गले के ऊपर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें अंदर के साइड का जो कपड़ा है आधा इंच छोड़ के इसको इसकी कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से गले का फोल्ड करना है और इसका हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से हमने ये सेंटर पे मार्किंग किया है। अब यहाँ पे हमारी ये जो बैक साइड है इसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे हमने ये सेंटर निकाला है। सेंटर निकालने के बाद अभी यहाँ पे हमने गले का, ये जो गले का सेंटर निकाला था, गले का भी सेंटर निकाला है और ब्लाउज पीस का भी, जो ऐसे बैक साइड जो थी हमारी उसका भी हमने सेंटर निकाला है। तो इसको अल्पिन से हमने इसको पैक किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो कैनवास है कैनवास के साइड में से हमें ये किनारी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। जैसे ये जो कॉर्नर है इसमें हमें अंदर के साइड में सुई को रखना है, फिर इसको कपड़े को घुमा के फिर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कॉर्नर में सुई को अंदर के साइड में रखना है और इसे इस तरह से लेना है, फिर इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। अंदर के साइड का जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ के, क्वार्टर इंच छोड़ के बाकी के कपड़े को कट करना है। इस तरह से हमें इसको कट करना है।
यहाँ पे हमने इसको कट किया है। कट करने के बाद ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें कट लगाने हैं। इस कॉर्नर में भी हमें इसी तरह से ये कट लगाने हैं। अब यहाँ पे जैसे ये कॉर्नर में हमने सिलाई जो कट थे वो लगाए हैं, अब इसे हमें इस तरह से अंदर के साइड में इसे फोल्ड करना है। पहले हमें इसके ऊपर प्रेस लगानी है, प्रेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये हमारे इस तरह से निकलते हैं। तो इसके ऊपर पहले प्रेस लगानी है, प्रेस लगाने के बाद फिर हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर है हमारे ये इस तरह से निकलते हैं, तो इसके ऊपर हम पहले प्रेस लगाते हैं। इस तरह से हमने इसके गले के ऊपर ये प्रेस लगाई है। प्रेस लगाने के बाद यहाँ पे हम किनारे पे ही सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमें सुई को हमने अंदर रखा है और फिर से इस तरह से कपड़े को घुमा के यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये गले के ऊपर ये सिलाई लगाई है। अभी यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगाई है। अब ये जो लेस है इसको हम इस तरह से लगाते हैं। इस तरह से हमें गले के ऊपर यहाँ पे भी हमें ये लेस लगानी है।
अब यहाँ पे हमने ये गले के ऊपर ये लेस लगाई है। इस तरह से ये स्क्वायर में जो गला है वो मैंने आपको तैयार करके दिखाया है। आप चाहे तो इसके बीच में डोरी और लटकन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल डेली यूज़ के लिए स्क्वायर में गला, जो कमेंट्स में पूछा गया था कि कैसे बनाना है, तो ये मैंने आपको बना के दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।